हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के अनुसार आगे पढ़ाई की जाती है। उसी तरीके से कई विद्यार्थियों का सपना होता है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर में आयकर अधिकारी बने। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए वो दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा आपने कहीं सुना या पढ़ा जरूर होगा। लेकिन ये कितना सच है, ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर ही बता सकता है। मानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना आसान नहीं है, मगर इसके लिए आपको रात दिन पढ़ाई करना जरूरी नहीं। आप जितनी पढ़ाई किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए करते हैं, उतनी ही पढ़ाई इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए करना पड़ता है। लेकिन आप उससे अधिक भी पढ़ाई करते हैं, आपका ही फायदा है, आपको अधिक ज्ञान अर्जित होगा। चलिए, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आप आयकर अधिकारी कैसे बन सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर आप कैसे बनते हैं। दरअसल, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप स्टडी सेक्टर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आयकर अधिकारी बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आयकर अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद उम्मीदवार को एसएससी सीजीएल की परीक्षा देनी होती है। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम आप दोगे, तब जाके आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए उसको पास करने के बाद एलिजिबल होगे। एसएससी सीजीएल के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 27 साल तक की होनी चाहिए। भारत सरकार के नियमों के सीएसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट और पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी को 10 साल की छूट दी गई है। पुरुष उम्मीदवार की हाइट इसमें मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की चेस्ट फुलाई हुई 1 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। पुरुष उम्मीदवार को पैदल चलकर 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तथा साइकिलिंग करते हुए 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार की हाइट 5'2" सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वजन उनका 48 किलो होना जरूरी है। महिला उम्मीदवार को पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तथा साइकिलिंग करते हुए 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। फिर भी रफली हम यहाँ पे बात करें तो हमारे देश में आयकर विभाग के सभी कर्मचारियों की पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है। इनमें से इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए 9,300 से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है इस वीडियो में कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है और क्या इसकी सैलरी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका सपना ज़रूर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का होगा। अगर आपका सपना इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का है तो ज़रूर पूरा होगा। मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय।